पिछले क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें एक परमाणु का द्रव्यमान और एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना था। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताया था, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं छोटे से क्लास में। मैंने क्वेश्चन दिया था एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान, या द्रव्यमान बोल सकते हैं, या भार बोल सकते हैं, या मास बोल सकते हैं, ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, और उसमें सल्फर, यूरेनियम, सोडियम इस तरह के तत्वों का दिया था। तो कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने बोला था कि फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है, सूत्र है, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु भार बाय एवोकेटो नंबर 6.022 इंटू 10^23। तो सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? सल्फर को मैंने याद कराया था आपको 1632, परमाणु भार है 32, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका, परमाणु भार कितना है इसका? 32, 32 बाई 6.022 इंटू 10^23। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 32 बाई 6.002, इसका वैल्यू आएगा 5.3 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 10^-23 ग्राम। इस तरह से सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना प्राप्त होता है। हम इस प्रकार से इनको ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया था एक अणु के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन था H2O के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे, अगर अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उस यौगिक के उस कंपाउंड का अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा, मोलार मास ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करिए, H2O का अणु भार ज्ञात कर लीजिए। तो ये आएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, दो हाइड्रोजन है इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो इस तरह से होगा 2+16=18 AMU। तो पहला काम होगा अणु भार ज्ञात करना, दूसरा काम होगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। तो फॉर्मूला है, सूत्र है, एक अणु का भार बराबर अणुभार बाय एवोकेटो नंबर 6.022 इंटू 10^23। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, एक H2O अणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, अतः एक H2O अणु का भार या द्रव्यमान, तो ये आएगा अणुभार हमें प्राप्त हो गया 18 बाय 6.022 इंटू 10^23। 6 × 3 = 18, 3 × 10^-23, तो इसकी वैल्यू आया 2.98 × 10^-23।
ग्राम। तो ये द्रव्यमान हुआ किसका, एक अणु का द्रव्यमान हुआ, जल के एक अणु का द्रव्यमान हुआ, पानी के एक अणु का द्रव्यमान हुआ। बाकी प्रश्नों का आंसर इस लिस्ट में शामिल है, आप उनको चेक कर लीजिए। आपने आपका आंसर बिल्कुल सेम है तो आपने पूरा काम सही किए हैं, और अगर कुछ गलतियां हो, अगर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के और उसको सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए। आप जिन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और किसी तरह का कोई सजेशन देना है या किसी तरह की कोई बातें कहना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आंसर सॉल्व करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके सॉल्यूशन मुझे आप व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9644562030। इस पर अपना सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो आप उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।